इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम के हेडक्वार्टर के बाहर और ये भूख हड़ताल में बैठे हैं हम मनोज त्यागी विपक्ष के भूमिका निभा रहे हैं काफ़ी समय से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, और अनारकली वार्ड से काफ़ी सिख समुदाय के लोग भी आए हैं यहाँ पर। मनोज त्यागी जी से बात करेंगे। सर, क्यों भूख हड़ताल में बैठे हैं आज आप? देखिए, जिस तरीके से मेयर साहब ने एक सड़क अनारकली वार्ड के अंदर, जो हमारी निगम पार्षदा हैं बहन रेखा दीक्षित जी, उनके वार्ड में एक सड़क का नामकरण होना था, जो सबके गुरु हैं, जो सबके प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय श्री गुरु नानक देव जी के नाम पे, और मेयर ने उस फाइल पे हस्ताक्षर करने की बजाय मना कर दिया और फाइल को फेंका। ऐसे क्या वजह मानते हैं आप? मैं तो इसको संकीर्ण मानसिकता मानता हूँ, और ये मानता हूँ कि मेयर साहब सिख विरोधी हैं। जिस तरीके से उनका रवैया है वो सिख विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब किसान आंदोलन पर बैठ जाते हैं तो किसान विरोधी बात करते हैं, जब मुस्लिम अपने हक को मांगने लगते हैं तो मुस्लिम विरोधी बात करते हैं, जब जनता ये कहती है कि भ्रष्टाचार बंद करो MCD के अंदर तो जनता को भगाने का दुत्कारने का काम करते हैं, तो जन विरोधी काम करते हैं। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी के मेयर और नेता जिस तरीके से जन विरोधी काम करते आ रहे हैं, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, और सिख समुदाय आज यहाँ पे हमारे साथ बैठ के कीर्तन कर रहा है। मैं और बहन रेखा दीक्षित जी दोनों भूख हड़ताल पे, और हमने ये कसम ली है कि हम अन्न और जल तब ग्रहण करेंगे जब मेयर साहब इस फाइल पे साइन करेंगे। मेयर साहब तो कई गलियों का नामकरण पहले भी कर चुके हैं, ऐसी क्या दिक्कत आई कि इसी गली को लेकर उन्होंने फाइल साइन नहीं की? आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों द्वारा डेली हर हाउस में 50-50 नामकरण के फाइलें होती हैं और सबको अप्रूवल दी जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों द्वारा 1-2-4 नामकरण के लेकर के, और वो उनका संकीर्ण मानसिकता है कि उनको रोकना, वो भी गुरु नानक देव जी के नाम की फाइल को रोकना। मैं कह रहा हूँ, किसी भी धर्म की फाइल हो, किसी भी धर्म गुरु की फाइल हो, वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगर आप खाली नामकरण के लिए हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ गया, तो आप ये सोच के देखिए कि अगर हमें किसी विकास के काम के लिए मेयर साहब के पास जाना पड़ जाए, अगर हम कहें कि मेयर साहब एक हॉस्पिटल बनवा दो, मेयर साहब एक स्कूल अच्छा बनवा दो, मेयर साहब इन सड़कों का निर्माण कर दो जो रेगुलराइज एरिया में आती हैं, जो नाले गाद से भरे हुए, मेयर साहब इनको साफ़ करा दो, तो मुझे लगता है कि हमें तो सुसाइड की धमकी देनी पड़ेगी, तब जाके मेयर साहब काम करेंगे। तो ये तो गैर कानूनी असंवैधानिक सरकार चलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो मानसिकता है वो अराजक हो चुकी है, वो तानाशाही हो चुकी है, उनका जो रवैया है वो सामाजिक रवैया नहीं है, वो भेदभावपूर्ण रवैया है, तो हम इसके खिलाफ हैं। नामकरण करना तो काफ़ी मामूली सी बात है, कर देना चाहिए था, काफ़ी काम बड़े बड़े करते हैं ये, तो आप इसको देखते हैं सिखों के धर्म पर काफ़ी ठेस पहुँचेगी अगर ये नामकरण नहीं करते हैं, इस फाइल पर साइन नहीं होती है तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर और देश के अंदर, बल्कि ये कहूँ कि संसार के अंदर, सब जगह हमारे जो सिख हैं, सिख भाई हैं, वो सब जगह पहुँचे हैं, और उन्होंने वहाँ पे रोज़गार के नए नए तरीकों को सृजन किया है, लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। ऐसे में सिख समुदाय जो समाज के प्रति हमेशा सजग रहने वाला, मानवता की सेवा करने वाला, भूखे को अन्न देने वाला, जो हमारे गुरु नानक देव जी का एक वो था कि भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, हमारे शंकर महादेव भी बोलते हैं, और उसी शिक्षा को आगे लेकर के हमारे सिख समुदाय के लोग किसी भी गरीब को भूखा सड़कों पे नहीं सोने देते, और हमेशा गुरु का लंगर चलता रहता है उनके। ऐसे समुदाय को सिर्फ एक नामकरण के नाम पर, सिर्फ एक नामकरण के नाम पर नाराज करना, उनको निराशित करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही निराशाजनक है, और उनको समझना चाहिए कि कोई भी धर्म का गुरु हो, वो अपने उस समुदाय के लिए बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है, और गुरु नानक देव जी तो समस्त समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे। ऐसे गुरु के लिए, ऐसे गुरु के नाम पे सड़क का नामकरण के लिए उन्होंने मना किया, ये बहुत ही शर्मनाक है, और इसका रिजल्ट उनको भुगतना पड़ेगा। अगर फाइल पे साइन कर देते हैं और आपकी भूख हड़ताल ख़त्म कराने आते हैं तो क्या रहेगा आपका रवैया? नहीं, हमने मांग करी है कि आप आइए फाइल पे साइन कीजिए, जब तक आप यहाँ साइन करने नहीं आएंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। वो आ जाए, साइन कर दें, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य तो है नहीं, हमारा तो सीधा सा उद्देश्य है कि गुरु के नाम पे अगर कोई नामकरण सड़क का हो रहा है
तो ये प्रेरणा स्रोत है हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, एक प्रेरणा का वो बनेगा, ये स्रोत बनेगा और लोग उससे प्रेरणा लेके समाज के प्रति अपना जिम्मेदारी जो है उसको निर्वहन करेंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वही फाइल है जिस पे मेयर साहब ने साइन नहीं किए हैं और जिसके विरोध में आज ये धरने पे बैठे हैं। पूर्वी दिल्ली मुख्यालय के बाहर, पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर मनोज त्यागी और अनारकली वार्ड से क्षेत्रीय सिख समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं और निगम पार्षद भी मौजूद हैं साथ में, और देखना होगा इस फाइल पे साइन कब तक होते हैं। मेयर साहब, एक अनारकली वार्ड का एक मामला सामने आ रहा है कि एक गली का नामकरण करना था और आपने एक फाइल पे साइन नहीं किए हैं, तो इसके विरोध में विपक्ष के नेता मनोज त्यागी बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और सहयोगी भी उनके साथ में। उनके कर्म ही ऐसे हैं कि उन्हें बाहर बैठना है, सदन में आना तो हंगामा करना और बाहर बैठना है झूठ बोलना। हम लोग इस फाइल को 9 तारीख को पास कर चुके हैं, आप देखते हैं इसकी एंट्री है 2646, 9 को साइन हो चुकी है, 10 तारीख को कमिश्नर महोदय को जा चुकी है। ये कल झूठ बोलने जाते हैं। जहाँ तक सिख भाइयों की सवाल है, हमने कल भी एक नामकरण किया है, कल लक्ष्मी नगर में रमेश पार्क में गुदा और हमने नामकरण किया है और इसके अलावा भी हमने शास्त्री पार्क में गुदवा के नाम पर रोड का नामकरण किया है। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, हम लोग जो फाइल आते हैं उसको करते हैं, लेकिन समय होता है वो फाइल लेके तो आएं, फाइल के विषय में बताएं तो सही। केवल झूठ बोल के वहाँ बैठ जाना, लोगों का इस्तेमाल करना, ये वो जानते हैं, वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सिख भाई भी समझदार लोग हैं। मैंने अब सुबह आज उनसे बातचीत की थी कि वहाँ आएँ, मैं दिखाता हूँ, हमने फाइल के पास भेज दिए, तो मुझे लगता है शायद मनोज जी ने आने नहीं दिया या वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने फाइल को पास कर दिया। हमारी तरफ से फाइल पास है, हमारी तरफ कोई दिक्कत नहीं है। इसका हाउस ऑफ फाइल लगती है, हाउस ऑफ फाइल लगेगी, उनका काम होगा। एक फाइल वो भी दिखा रहे हैं हमारे पास, ये रही फाइल, वो साइन नहीं किए। मैंने दिखाया ना, हमारे पास से 10 तारीख को हमारे रिकॉर्ड में कमिश्नर के पास फाइल है। मेयर साहब, नेता विपक्ष ने आप पर आरोप लगाए कि मेरा आदमी फाइल लेके गया और उन्होंने फेंक दिया फाइल, इस पर क्या करना? यहाँ पे फाइलें कौन सी फेंकी जाती हैं पता नहीं, उनको ऐसा लगता है। हम किसी फाइल को नहीं फेंकते, हम अवलोकन करते हैं और जो फाइलें आती हैं हम उसको निश्चित तौर पे मंजूरी देते हैं।